एयर इंडिया में निकल कर आई है काफ़ी सारी वैकेंसीज, जिसे आप ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर केयर, रैम ड्राइवर, हैंडीमैन पोस्ट, ये सारी पोस्ट आज मैं लेकर आई हूँ। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर मेक करियर टुडे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और वैकेंसीज जो लेकर आई हूँ वो एयर इंडिया रिक्रूटमेंट से। जी हाँ, एयर इंडिया का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज 2023 की रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, जिसे आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 495, यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब निकल कर आई है। रैम ड्राइवर एंड हैंडीमैन पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है। तो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी, आपको ये भी बताऊँगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपको काम क्या करना रहेगा, सैलरी पैकेज आपको कितना मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका शिफ्ट क्या रहेगा, आपको अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ, फॉर्म फिल करके मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको, तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो की एंड तक। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कीजिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एयर इंडिया जॉब रिक्रूटमेंट 2023 निकल कर आई है, अप्लाई ऑफलाइन। जी हाँ, पहले मैं ऑनलाइन आपको बताती थी, बट इसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से आप समझ गए होंगे यहाँ पे पोस्ट जो लेकर कर आई है। रैम ड्राइवर और हैंडीमैन जो मैं आपको अभी बताऊँगी आपको यहाँ पे काम क्या करना है। नीचे चलते हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे AL एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जॉब इनवाइट्स न्यू कैंडिडेट फॉर नोटिफिकेशन, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर और हैंडीमैन पोस्ट यहाँ पे लेकर के आई हूँ मैं यहाँ आप लोगों के लिए। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें बताया गया कौन कौन सी वैकेंसीज है। अब बात करते हैं डिटेल में। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? AL एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। पोस्ट नेम क्या रहेगा? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड अदर पोस्ट, जो कि मैंने आपको बताया। टोटल पोस्ट यहाँ पे 495 की पोस्ट निकल कर आई है, यानी 400 से भी ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई है। अप्लाई मोड है ऑफलाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्लाई मोड यहाँ पे ऑफलाइन रहेगा, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है आपको। और जो लोकेशन है वो चेन्नई की है, चेन्नई में यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई है। तो अगर आप चेन्नई में रहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एयर इंडिया क्राफ्ट जो है बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th पास वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए। जी हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 17 अप्रैल को पोस्ट होगी थी, लास्ट डेट इसकी जल्द ही जल्द यहाँ पे जो है क्लोज होने वाली है। तो अभी जाइएगा, अभी अप्लाई कीजिएगा। हु कैन अप्लाई? ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप चेन्नई में रहते हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में कहीं के भी रहते हैं तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे जाके आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आगे कैसे करना है। एज लिमिट क्या रहेगी इसका? इसका 18 साल है मैक्सिमम एज लिमिट एज पर द रूल है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो OBC 3 साल, SC ST 5 साल एज पर द गवर्नमेंट रूल, और यहाँ पर भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। सो एज के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और पोस्ट भी बता दी। सैलरी पैकेज कितना मिलने वाला है आपको? सो अकॉर्डिंग टू पोस्ट और क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो आपको पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेट है आपका, यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं। सपोज अगर आप कस्टमर केयर में कर रहे हैं अप्लाई, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास है या ग्रेजुएट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलेगा। सो डोंट वरी, सैलरी पैकेज तो बहुत हैंडसम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज देती है। इसका स्टार्टिंग ही 30,000 सैलरी पैकेज से स्टार्ट होता है। सो 30 अप टू 50, 60, 70 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, प्लस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे, सैलरी के साथ साथ OT, मील और ओवर टाइम का सब कुछ मिलने वाला है। सैलरी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एज रिलैक्सेशन बता दिया है, अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा काम क्या रहेगा। देखिए, कस्टमर सपोर्ट का काम जो रहेगा, जो भी कस्टमर की क्वेरीज आती है ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आपको यहाँ पे जो है क्वेरी रिजॉल्व करनी है, तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसके बकायदा। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा, प्रॉपर 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है कि आपको काम कैसे करना है, इनके प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, कैसे हैंडल करना है कस्टमर को, ठीक है। और अब बात करते हैं जो दूसरी है, वो है रैम्प ड्राइवर की। तो रैम्प ड्राइवर होता क्या है, काम क्या करना है आपको इसमें? अच्छा, रैम्प ड्राइवर आपने, अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया है तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लेन के बाहर जहाँ पे लैंड होता है प्लेन, तो वहाँ पे पार्किंग एरिया होता है जहाँ से अराइव होते हैं प्लेन, तो वहाँ पे आपको
दो तीन लोग खड़े देखने को मिलेंगे, तो वही आपको वहाँ पे खड़े होना है और वहाँ पे जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो भी सामान होता है वो आपको करना है। सपोज उनको कोई भी कस्टमर्स के जो बैग होते हैं लोडिंग अनलोडिंग वो आपको यहाँ पे करने हैं, कोरियर कार्गो बैगेज एंड आपको जो कार्ट्स में जो रखते हैं सामान वो आपको वहाँ पे करना होगा, स्पेशल हैंडल ऑफ द बैगेज कार्गो एंड मेल एज रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। सो बेसिकली आपका लोडिंग और अनलोडिंग का काम रहेगा, बैगेज की लोडिंग और अनलोडिंग करनी है, एयरक्राफ्ट सर्विसेज करनी है आपको, ठीक है, और आपको ड्यूटीज भी असाइन करनी होगी, ठीक है। तो रैम्प एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये रहेगी। हैंडीमैन से क्या समझते हैं आप? हैंडीमैन की पोस्ट निकल कर आई है, हैंडीमैन होता है यहाँ पे क्लीनिंग फैसिलिटी, स्वीपिंग डस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, मेंटेनेंस करनी है, लाइट रिपेयर्स करनी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। क्लीनिंग की जो भी टूटा फूटा है वो आपको चेक करना है, मेंटेनेंस चेक करनी है, सारी चीज़ें आपको फिर परफॉर्म्स के यहाँ पे करनी होगी ग्राउंड्स लेवल पे, ठीक है। और कस्टमर सर्विस के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो मेनली आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आपका। अब सैलरी पैकेज भी मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू पोस्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन है, ठीक है। हम नीचे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस मेन, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस आप बेसिस पर होगा? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू के बेस पर होता है, इंटरव्यू आपसे कैसे क्लियर करते हैं, इंटरव्यू अगर आप एक्सपीरियंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास एक्सपीरियंस पूछेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछेंगे क्यों जॉब करना चाहते हो, एयरक्राफ्ट के बारे में आप थोड़ा बताएं, एयर इंडिया के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, आप गूगल में पढ़ के जाइएगा, तो आपका इजीली यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता दूँ, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की 500 फ़ीस है, जी हाँ 500 की फ़ीस है यहाँ पे, एससी एसटी कैंडिडेट की जो है फ़ीस बिल्कुल नहीं है, जो ओबीसी है और जो जनरल है उनकी तो 500 है, बट जो एससी एसटी है वो उनकी जो बिल्कुल यहाँ पे फ़ीस नहीं है, मैं आपको बता दूं 500 ही फीस है आपकी यहाँ पे, अगर आप ऑफलाइन, क्योंकि ये ऑफलाइन जॉब है तो ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? एजुकेशन आपका 10th पास है, जी हाँ, तो 10th पास वालों की तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक यहाँ पे सारी जो है वैकेंसीज अवेलेबल रहेगी। तो 10th पास है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप कस्टमर केयर में अप्लाई कर सकते हैं या तो आप उसको हैंडीमैन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ 10th पास वाले जो है हैंडीमैन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी पोस्ट निकल कर आई है और सैलरी पैकेज कितना रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक मैंने लिंक शेयर किया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पे आप क्लिक कीजिएगा, वो ओपन होने के बाद आपको जैसे सबमिट कर देंगे आपको एक कॉल या नोटिफिकेशन आएगा आपकी मेल पे, तो आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू प्रिपेयर होके जाइएगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे ये ड्रेस पहन के आनी है इंटरव्यू में और आपको ऐसे आना है, तो सब कुछ बता देंगे वो आपको इंटरव्यू में, और आपको जो भी पेमेंट करनी है 500 रुपीज़ की तो वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ प्रॉब्लम आती है आपको अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक का था, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।